हेलो फ्रेंड्स, इंडियन लाइफस्टाइल विद गौरी चैनल की वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मेरे हर लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करूंगी। आज है 18 तारीख और आज मंडे है, तो आज से मनवा का स्कूल शुरू हो रहा है। उसे मैंने नर्सरी में एडमिशन करवाया है, तो यहाँ से मुझे 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, थोड़ा दूरी पे जाना पड़ता है। और यहाँ से स्कूल बस भी नहीं आ रही है, तो मुझे छोड़ने के लिए और लाने के लिए उसे जाना पड़ेगा। तो सुबह तो बहुत जल्दी रहेगी और अभी बजे है 6, तो फटाफट से मैं अपनी पहली चाय पी लेती हूँ, उसी के बाद ही मेरा दिन शुरू हो जाएगा। तो चाय पीने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊँगी और मनवा का टिफ़िन बनाऊँगी और पंकज के लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते में मैं आज पोहा बना रही हूँ, तो टिफ़िन का थोड़ा मैं सामान निकाल के रख दूँगी और बोतल वगैरह। तो दोनों को भी मुझे जो तैयारी करके देनी पड़ती है वो मैं करके खुद तैयार होके मैं उसे स्कूल में छोड़ने के लिए चली जाऊंगी 8:30 बजे, ताकि 9 बजे तक मैं आसानी से वहाँ पर पहुँच जाऊँ। और 9 से 12:30 तक उनका स्कूल रहता है, तो 12 बजे मुझे फिर से घर से निकलना पड़ेगा ताकि मैं टाइम पे वहाँ पहुँच जाऊँ। बच्चों के जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो यही सारे मॉम का बिजी मॉर्निंग रहता है, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ चाय पी के, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। को भी ब्रश करवा के उसे मैं दूध दे दूंगी। दूध पीने के बाद वो नहाने जाएगी, तो आज उसके पापा उसे तैयार करने वाले हैं, तब तक मैं खाना बना लूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन लिया है और मूंग की दाल मैंने भिगो कर रखी थी, लहसुन को थोड़ा मैं क्रश कर लूँगी और दाल को मैंने भिगो के थोड़ा सा
उसमें गर्म पानी डाल के उसे उबाला था तो वो जल्दी से पक जाएगी। और बस इतना ही मैं उसमें डालूंगी और नमक डालूंगी। यहाँ पर पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और साथ ही साथ में मैंने पोहा को भिगो के रखा है। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और शक्कर डाल के मिक्स करके रखा है और थोड़ा सा नींबू डाला है। और अभी पालक को मैं तड़का लगाऊंगी तो तड़के में थोड़ा सा जीरा, हल्दी, हींग, मिर्च, लहसुन और दाल ये डालूंगी। और पालक डालने के बाद मैं उसमें नमक डालूंगी और इसे ऐसे ही पकाऊंगी बिना ढक्कन के, क्योंकि ढक्कन रखने से सब्ज़ी को बहुत पानी छूट जाता है तो पालक जल्दी ही पक जाता है। ऐसे ही उसे मैं पकाऊंगी और साथ ही साथ में पोहा भी बना लूंगी।
अभी रोटियां बना लेती हूँ और तो बाकी का जो काम है वो मैं उसे छोड़ के आने के बाद करूँगी। और पंकज को मैंने नाश्ता दे दिया है तो मैं भी आके नाश्ता करूँगी और उन्हें चाय दे दूँगी। तो मनवा तो सुबह सिर्फ दूध पीती है और स्कूल में उन्हें रोटी सब्जी ये देना कंपलसरी है ताकि बच्चे सीख सकें रोटी सब्जी खाना। और हरी सब्जियाँ वो ज़रा कम खाती है तो अच्छा ही है, स्कूल में वो सीख जाएगी और बच्चों के साथ साथ बच्चे खाना खा लेते हैं जो भी हो। तो कभी कभी मैं उसे पालक की सब्ज़ी, पालक की पूरी या पालक का पराठा भी दे दूँगी। को मैंने तैयार कर लिया है नहा धो के और उसने स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहन लिया है तो उसका टिफ़िन में भर देती हूँ और तुरंत ही हम निकल जाएंगे क्योंकि 8:30 बजने में अभी 5 ही मिनट बचे हैं। तो 5 बजे तक मैं निकल जाऊँगी। और मनवा थोड़ी डरी हुई सी है तो थोड़ी ना वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग निकल रहे हैं और ये देखिए मनवा अच्छे से रेडी है। तो उसको मैंने बोला है आके मैं उसे जूस दूंगी, इस वजह से वो तैयार हो गया। तो आज मनवा थोड़ा रो रही थी तो इसलिए मैं प्लेग्राउंड में उसे खेलने के लिए ले कर गई थी। तो अभी वो ठीक हो गई है तो हम चले जाएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।